नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दरअसल सांसद गौतम गंभीर ने 7 जुलाई को सभी सुविधाओं से लैस कांति नगर में एक आइसोलेशन सेंटर दिल्ली सरकार को सौंपा था। इस आइसोलेशन सेंटर को दिल्ली सरकार को परमिशन देना था और इसे किसी सरकारी अस्पताल से जोड़ देना था, लेकिन गौतम गंभीर का आरोप है कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। हमारे को हमने अपना कोविड सेंटर हैंडओवर कर दिया है दिल्ली सरकार को, और पिछले 20 दिन पहले हैंडओवर किया था, सब कुछ बना के, जहाँ पर एयर प्योरीफायर से लेके वाटर कूलर से लेके सब कुछ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। लेकिन दिल्ली सरकार जब तक किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं कराएगी वो खुल नहीं सकती, और वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है हॉस्पिटल के साथ टाई अप करवाना। जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना जब कोविड सेंटर 500 बेड का खोला, तो वो तो उसकी परमिशन तो आपको 1 या 2 दिन में मिल गई। मैं पिछले 1.5 महीने से परमिशन मांग रहा हूँ सिर्फ टाई अप की, सब कुछ बन के रेडी है, सिर्फ टाई अप करवाना है किसी भी हॉस्पिटल के साथ, दिल्ली हॉस्पिटल के साथ, चाहे वो हेडगेवार हो या किसी भी हॉस्पिटल के साथ। वो आज तक ये नहीं करवा पा रहे, 1 मिनट का काम है तो इससे क्या पता चलता है वो मिलके काम करना चाहते हैं। तो आप, ये तो मैंने भी देखा है कि आपने जो सेंटर बनाए थे वो अभी भी टर्न आउट नहीं हुआ है कोविड सेंटर, क्योंकि सिर्फ परमिशन नहीं मिली इसकी वजह से। बाकी सब कुछ रेडी है, हैंडओवर कर दिया गया है डीएम को, अब सिर्फ उनकी जो परमिशन है, उनका जो टाई अप है किसी हॉस्पिटल के साथ करवाने का, वो हम उसकी वेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ दिल्ली सरकार ही कराएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना के दिल्ली में बढ़ते केसों को लेकर लोगों की मदद के लिए तमाम सुविधाओं से लैस आइसोलेशन सेंटर बनाया था, लेकिन ये अभी तक खुल नहीं सका। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या किसी राजनीति के तहत इस आइसोलेशन सेंटर को शुरू नहीं किया जा रहा।